खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NHICS MPPSC में। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं MPPSC मेन से संबंधित श्रृंखला, और ये जो श्रृंखला चल रही है वो है टू मार्कर की श्रृंखला। इसमें हम टू मार्कर के जितने भी प्रश्न हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट वाइज, और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं यहाँ पे उसमें देख रहे हैं पेपर नंबर 1 पार्ट ए यूनिट 1। इसके 4 पार्ट हमने पहले ही देख लिए हैं, आज इसका 5वां और अंतिम पार्ट है, और इसमें लगभग हमने 250 से अधिक प्रश्न यहाँ पे टू मार्कर के तौर पर देख लिए हैं। हमने प्रयास किया है कि वहाँ पे आपको एक अच्छे और सुस्पष्ट आंसर आपको मिल पाए, एक प्रश्न बैंक मिल पाए, उसके उत्तर मिल पाए व्यवस्थित रूप से, और आपको यह मुख्य परीक्षा के लिए सहयोगी हो सके। यदि आपके टू मार्कर वीक हैं तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को लिख के और मॉडल कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करिए। इससे आपको याद करने में भी मदद मिलेगी और साथ ही साथ एक फॉर्मेट भी पता चलेगा कि हमें किस तरीके से 20 शब्द या फिर 4 लाइनों में प्रश्न को समेटना है। तो हमारा यह प्रयास आपको एक विद्यार्थी से अधिकारी की ओर बनने में एक छोटा सा प्रयास है, जो मुझे लगता है कि यह आपको मदद जरूर करेगा। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आपने इसके पहले 4 वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले के 4 वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। आज का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि दीवाने इस्तिहाक। शुरू करने से पहले मैं एक बार फॉर्मेटिंग बता दूँ कि टू मार्कर में कुछ फॉर्मेट है। जैसे सबसे पहले तो आप एक इसको थोड़ा पतला करते हैं, एक जैसे ये वाला एक फॉर्मेट है कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये वाला एक तो अपना सिंपल ये है ही, एक ये एक बुलेट वाला है, ऐसे कर सकते हैं आप, एक बीच में ऐसे करके और चारों तरफ आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके का आपको प्रयोग करते चलना है जिससे आपकी कॉपी जो है तो स्पष्ट दिखाई दे, ज़्यादा कंटेंट मिले उसमें, जिससे एग्जामिनर जो है व्यवस्थित रूप से उसे चेक कर सके और आपको अच्छे नंबर दे सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक के बारे में बताएंगे कि सल्तनत काल में स्थापित एक विभाग था। डिपार्टमेंट था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। इसे किसने स्थापित किया है? इसे स्थापित किया फिरोज शाह तुगलक ने। और इसमें यदि पेंशन की बात करें तो इसमें पेंशन विभाग से संबंधित यह विभाग था। दीवाने इस्तिहाक इसमें पेंशन विभाग से संबंधित यह विभाग था। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है, इसमें हमारी हेल्प हो जाती है। कई बार कुछ क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो बाई मिस्टेक दूसरे हो जाते हैं, तो आप एक बार देख लिया करिए। और जब भी आप वीडियो देखें तो एक दो दिन बाद उसका कमेंट सेक्शन आप जरूर देख करें, वहाँ पे कुछ कमेंट रहते हैं जिनके माध्यम से आपको यदि किसी प्रश्न में गड़बड़ी हुई है तो उसे वहाँ पे सुधारा जाता है। तो आप लोग यदि कोई गड़बड़ी समझ में आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि इसके उत्तर गलत है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। अगला प्रश्न है हक ए सर्व। हक ए सर्व क्या है? तो हक ए सर्व आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया सिंचाई कर था। तो आप इसमें ऐसे बता सकते हैं कि सल्तनत कालीन प्रमुख कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। किस लिए लगाया गया? तो सिंचाई कर के लिए लगाया गया। और इसमें कर की दर क्या थी? तो इसमें जो कर की दर थी वो 1/10% थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो हक ए सर्व क्या था? हक ए सर्व सल्तनत काल में लगाया गया सिंचाई कर था। किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। कर की दर क्या थी? तो 1/10 या फिर 10% इसकी कर की दर थी, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा देवल। देवल के बारे में हम देखें तो हम क्या बताएंगे कि धार्मिक अथवा देवता की भूमि। एक तो देवल बंदरगाह भी मिलता है ना, एक वो है, लेकिन यह सल्तनत काल की यदि बात करें वहां पे यदि है तो वहां पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। देवल के बारे में दो चीजें लिख सकते हैं, एक देवल बंदरगाह के बारे में जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है, प्राचीन बंदरगाह है और यह सिंध नदी के मुहाने पर स्थित है। और दूसरा एक देवल के यदि आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा धार्मिक अथवा देवता की जो पूजा होती थी उसे देवल कहा जाता था, और जो व्यक्ति पूजा कराता था उसको बेसिकली हम देवल कहते थे। तो देवल क्या था? धार्मिक अथवा देवता की पूजा करके जीविका अर्जित करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे देवल कहा जाता था। लेकिन आप समय तक देवल पूछे तो आपको ये वाला टिक करना है कि देवल जो है तो क्या है, देवल एक प्राचीन बंदरगाह है जो कि सिंध नदी के मुहाने पर है, और ये कहाँ पे है? वर्तमान के पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है जजिया कर। तो जजिया कर के बारे में आप बताएंगे कि गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था वह जजिया कर था, और इसे पहली बार किसने लगाया था? तो इसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और अंतिम रूप से समाप्त किसने किया था? तो अंतिम रूप से इसे मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा समाप्त किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। संबंधित जो प्रश्न है वह आपको मेंस के साथ साथ आपको प्रीलिम्स में भी सहायता करने वाले हैं। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और अंतिम रूप से किसने समाप्त किया है? मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया अंतिम रूप से। अगला प्रश्न है जौनपुर। जौनपुर के बारे में है कि यह गोमती नदी किनारे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित एक प्रमुख नगर था।
जौनपुर क्या है? फिरोजशाह तुगलक द्वारा स्थापित एक नगर है। कहाँ अवस्थित है, किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के तट पर यह अवस्थित है। इब्राहिम सरकी के समय इसे भारत का सिराज कहा जाता था। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है, भारत का सिराज किसे कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। अब आपसे 2 मार्कर में भारत का सिराज भी पूछा, तो आपको बताना है भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। वहीं एक फैक्ट और है कि इसमें जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना है, तो जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना किसने की थी, वो की थी मलिक हुसैन सरवर ने। जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो राणा सांगा का वास्तविक नाम जो है तो संग्राम सिंह प्रथम था। ऐसे प्रश्नों में आपको सीधे से बता देना है कि वास्तविक नाम क्या था, तो संग्राम सिंह प्रथम इसका वास्तविक नाम था। शेष आपको राणा सांगा के बारे में 2 मार्कर में भी आपको ध्यान रखना होगा, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है हसन गंगू, हसन गंगू के बारे में बताते हैं। तो वहां पे क्या है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। हसन गंगू कौन था? हसन गंगू एक व्यक्तित्व है। तो सबसे पहले तो क्या है, क्या बताएंगे हम, तो कौन है ये? तो ये कौन है? यह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी गुलबर्गा थी, जो कि वर्तमान में एहसानाबाद गुलबर्गा जिसे अपन बोलते हैं। और इसने जजिया वसूली पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हसन गंगू जो है तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, इसकी राजधानी गुलबर्गा एहसानाबाद थी, और इसने जजिया वसूली पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है बेस और वाग, ये दो चीजें आप याद रखेंगे, बेस और वाग। तो जब आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य आप पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको विजयनगर साम्राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था है उसे संबंधित होते थे बेस और बाग। तो मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेस और बाग कहा जाता था, आपको ध्यान रखना। बेस बाग मतलब मनुष्यों का जो क्रय विक्रय होता था, दास प्रथा के संबंधित हम कह सकते हैं, उसे बेस बाग कहा जाता था विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था में। अगला प्रश्न कह रहा है कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? सीधा सा प्रश्न है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। अगला प्रश्न है कलीम उल्लाह के बारे में बताएंगे। कलीम उल्लाह प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। कलीम उल्लाह कौन है? प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। यह उत्तर मुगल काल से संबंधित है। यदि किसी प्रश्न में ज्यादा डाटा नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आप कोशिश करें कि मिनिमम 2 पॉइंट तो आपको लिखना ही है उसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्बार्काचार्य के बारे में बताते हैं। तो हम बताएंगे कि द्वैत संप्रदाय के प्रतिपादक संत कौन थे? निम्बार्काचार्य थे। द्वैताद्वैत जो संप्रदाय था या द्वैताद्वैत जो दर्शन था उसके प्रतिपादक संत निम्बार्काचार्य थे, या प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है। इनके अनुसार आत्मा ईश्वर से अलग और अविभाज्य दोनों होती है। इनका कहना था कि आत्मा जो होती है वह ईश्वर से अलग होती है और ईश्वर से अविभाज्य होती है। अगला प्रश्न कह रहा है रामानंद। तो रामानंद के बारे में हम बताएं कि प्रयागराज में जन्मे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक संत कौन थे? रामानंद थे। यहाँ पे कितनी बातें होंगी? 2 बातें। सबसे पहली तो इनका जन्म कहाँ हुआ? आगरा में हुआ, और यह उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत माने जाते हैं। इन्होंने जातिवाद पर प्रहार किया और अपने 8 निम्न जातियों के सदस्यों को अपना शिष्य बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है नैनार के बारे में बताएंगे कि शैव परंपरा के संत जिनकी संख्या 63 थी। नैनार कौन है? नैनार शैव परंपरा के संत थे। पहला पॉइंट यही है, शैव परंपरा के संत जो थे उन्हें नैनार कहा गया। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 63 थी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा, इनका उद्भव बताएंगे हम कि यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इनका उद्भव माना जाता है नैनार संतों का। अगला प्रश्न है ललेश्वरी की बात करें तो हम बताएंगे कि 14वीं शताब्दी की भक्त कवियत्री थी, महिला कवियत्री जो थी यह थी ललेश्वरी, और यह कश्मीर की थी, और शैव भक्ति परंपरा से इनका जुड़ाव था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ललेश्वरी का संबंध कहाँ से था? कश्मीर से था। यह भक्त कवियत्री थी और यह शैव भक्ति परंपरा से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम बताएं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। यहाँ पे संस्थापक लिखना है आपको, ठीक है, इसको अपन संस्थापक। और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ? इनकी दरगाह अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला प्रश्न है संतारिया संप्रदाय के बारे में देखें तो आप बता सकते हैं संतारिया संप्रदाय के बारे में कि इस सूफी सिलसिले की स्थापना शाह अब्दुल सत्तार के द्वारा की गई थी। संतारिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? शाह अब्दुल सत्तार के द्वारा की गई। यह सूफी सिलसिला था। इसके प्रमुख संतों में मोहम्मद गौस का नाम प्रमुख है, जो कि तानसेन के गुरु थे। और इनकी समाधि कहाँ है? इनकी समाधि ग्वालियर में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सामान्य से प्रश्न नहीं लिए गए हैं, क्योंकि सामान्य मुझे लगता है जैसे आपसे कोई पूछे अकबर, तानसेन, मोहम्मद गौस, शाहजहां,
इल्तुतमिश, MBT, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब। तो ऐसे जो व्यक्तित्व वाले प्रश्न, ये तो आपको सामान्यतः आपसे आने चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपसे सामान्य जो प्रश्न है ये सभी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ विशेष प्रश्न ऐसे जो मतलब आपने नहीं सुने हैं या आपको पढ़ने में कई बार कन्फ्यूज हो जाता है ना, तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। तो कई बार ऐसा होता है लोग बोलते रहते हैं इन्होंने हिस्ट्री के 2 मार्कर बताए लेकिन इन्होंने अकबर तो बताया नहीं 2 मार्कर में। तो मुझे लगता है अकबर, तानसेन, ऐसे जो ये व्यक्तित्व हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नियमित रूप से लूसेंट या अन्य बेसिक बुक्स में आप पढ़ते रहते हैं वहाँ मिल जाती हैं, उन्हें मैं यहाँ पे नहीं शामिल कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसे तो 1000 क्वेश्चन कम है, 2 मार्कर हर एक लाइन में देखें तो वहाँ 2 मार्कर मिल जाएगा। तो हमें अपन बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ाना है, हमें एक निश्चित सीमा लेके चलनी है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। अगला प्रश्न है खानकाह। खानकाह में आप देखेंगे कि सूफी संतों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो होता था उसे खानकाह कहा जाता था। तो खानकाह का संबंध किससे है? सूफी संतों की गतिविधियों के संबंधित प्रमुख केंद्र के रूप में है। अब यदि बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी खानकाह कहाँ थी, तो उनकी खानकाह अजमेर में थी। उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो खानकाह थी वह कहाँ थी? अजमेर में थी। अगला प्रश्न कह रहा है चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? तो चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था? विश्वंभर। विश्वंभर जो था वह चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम था। आपको प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध अपन बात करेंगे, तो घाघरा का युद्ध सबसे पहले तो कब होता है? तो कब होता है? मई 1529 में होता है। यहाँ पे आपने क्या बताया कब हुआ? तो मई 1529 में हुआ। परिणाम क्या रहा इसका? तो परिणाम ये रहा कि बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया। किसके मध्य हुआ, किसके मध्य यह युद्ध हुआ, ये आप बताएंगे। तो किसके मध्य हुआ भाई? तो महमूद लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि घाघरा का युद्ध जो है तो किस तरीके से हम 2 मार्कर में लिखेंगे। यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग के लिए आप एक गोला वाला जो वो होता है इसे आप बना सकते हैं, और आप इस तरीके से ऐसे आप इसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न है चुनार का घेरा। चुनार का घेरा तो यहाँ पे हम बताएंगे कि 1532 में हुमायूं द्वारा चुनार का घेरा डाला गया था। 1532 में हुमायूं द्वारा चुनार का घेरा डाला गया था। चुनार किसके अधीन था उस समय? तो उस समय चुनार जो अधीन था तो वह शेरशाह सूरी के अधीन था। चुनार के घेरे का परिणाम क्या हुआ? तो इसमें एक संधि की गई जिसमें कुतुब खां को अफगान टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में शामिल होना पड़ा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चुनार का घेरा कब हुआ? प्रीलिम से पूछे आपसे तो 1532 में हुआ था। किसके द्वारा डाला गया था? तो हुमायूं के द्वारा यह घेरा डाला गया था। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 221 पर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध है 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य। तो सबसे पहली बात तो आप ये बता सकते हैं कब हुआ, किसके मध्य हुआ, और फिर आप बता सकते हैं कि उसका परिणाम क्या था। इस तरह आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैं बताता चलता हूँ कैसे आपको लिखना है। तो 1540 में होता है कन्नौज का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम में शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। ऐसे एक युद्ध आपको और ध्यान रखना है, चौसा का युद्ध, इसे आपको कमेंट करके हमें बताना है। अगला प्रश्न है मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये तो गड़बड़ हो गया। अगला है मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हम बताएंगे कि 1555 में, 1555 मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? हुमायूं और अफगान सरदार हैबत व ततार खान के मध्य हुआ। 1555 में हुमायूं और अफगान सरदार हैबत व ततार खान के साथ मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। इसका परिणाम ये होता है कि हुमायूं की इसमें जीत होती है और संपूर्ण पंजाब मुगलों के कब्जे में आ जाता है। तो कब हुआ? 1555 में। किसके मध्य हुआ? हुमायूं और हैबत ततार खान के मध्य हुआ। परिणाम क्या हुआ? हुमायूं की जीत होती है। अगला प्रश्न है बैरम खान। बैरम खान के बारे में बताएंगे कि यह अकबर का संरक्षक व सेनापति था। बैरम खान अकबर का संरक्षक व सेनापति था। इसकी उपाधि क्या थी? इसको खान ए खाना की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। हज यात्रा के दौरान मुबारक खान नामक पठान ने इसे मार डाला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन था, उपाधि क्या मिली और मृत्यु कैसे हुई, ये आप इसमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न है पर्दा शासन। पर्दा शासन यदि कहीं आपको ऐसा मिल जाए कि आपसे लिखा हुआ आ जाए पेटीकोट शासन, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। पर्दा शासन है, पेटीकोट शासन, इसका संबंध जो है तो मुगल काल से रहा, मुगल प्रशासन से रहा है। तो आप बताएंगे कि 1560 से 1564 के मध्य जो अकबर का काल था उसे, उस काल का जो प्रशासन था उसे पर्दा प्रशासन या पर्दा शासन, पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो निर्णय लिए जाते थे उनमें माहम, अनगा और आधम खा जैसे लोगों का क्या था, प्रभुत्व था। उस समय अकबर पूर्ण स्वामित्व के रूप में निर्णय नहीं कर रहा था, तो उसे पेटीकोट शासन या फिर पर्दा शासन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के बारे में बताते हैं, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हुमायूं की बेगम थी और अकबर की माँ थी। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था, या हुमायूं की बेगम का जो थी वह
कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी, तो अकबर की माँ या हुमायूं की बेगम। और इसकी समाधि कहाँ है? इसकी समाधि हुमायूं के मकबरे में इसकी समाधि है, जहाँ पे हुमायूं का मकबरा है वहीं इसकी भी समाधि बनाई गई है। अगला प्रश्न है मीर बख्शी। मीर बख्शी की बात करें तो मीर बख्शी के बारे में बताएंगे कि यह मुगल कालीन सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मीर बख्शी जो है वह मुगल कालीन सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका कार्य क्या है? तो यह मनसबदारों की नियुक्ति करता था, सैनिकों की नियुक्ति करता था और उनके वेतन देता था, और सैनिकों को प्रशिक्षण की जो जिम्मेदारी थी वह भी मीर बख्शी की थी। इसका प्रारंभ अकबर के द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा इस पद का सृजन किया गया था, आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है मजहर घोषणा। मजहर घोषणा के बारे में आप बता दीजिए कि अकबर द्वारा 1579 में यह घोषणा की गई। सबसे पहले तो कब की गई, किसने की या किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे एक ही लाइन में हमने बता दिया कि अकबर के द्वारा 1579 में यह घोषणा की गई। इसके प्रारूप को किसने बनाया था? तो इसके प्रारूप का निर्माण किया था शेख मुबारक ने। शेख मुबारक ने मजहर घोषणा के प्रारूप का निर्माण किया था। और इसका विषय वस्तु क्या थी? तो इसमें धार्मिक और वैचारिक विवादों को निपटाने में एक मध्यस्थ और अधिकार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी मजहर घोषणा में। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दीन इलाही। दीन इलाही तो आप बताएंगे 1582 में अकबर द्वारा स्थापित एक धर्म था, नवीन धर्म था, जिसे दीन इलाही कहा गया। यह आचार संहिता थी जिसमें सामाजिक धार्मिक समन्वय स्थापित करने की बात की गई थी। इसके ग्रहणकर्ता की बात करें तो इसमें जो ग्रहणकर्ता, तो बीरबल ने दीन इलाही धर्म को ग्रहण किया था। और इसमें जो दीक्षाचार्य थे, इसके जो गुरु थे वह अबुल फजल थे, ये भी आपको ध्यान रखना था। और कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि प्रधान पुरोहित था, तो अकबर ही इसका प्रधान पुरोहित था, ये भी हमें बता देना है। अगला प्रश्न कह रहा है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा के बारे में बताते हैं हम कि मुगल सम्राट जहांगीर की जो पत्नी थी, यहाँ पे पत्नी गलत लिखा हुआ है, आप इसे लिखिएगा पत्नी, है ना। तो सम्राट जहांगीर की जो पत्नी थी उसका नाम मेहरुन्निसा था, और इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम नूरजहां था। इसका प्रभाव देखें तो इसके प्रभाव ये था कि सिक्कों पर जहांगीर के साथ साथ इसका नाम भी मिलता है, और शाही आदेशों में इनके भी हस्ताक्षर पाए गए हैं मेहरुन्निसा के, ये आप ध्यान रखिए। मेहरुन्निसा अर्थात नूरजहां, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नूरजहां ही मेहरुन्निसा है और मेहरुन्निसा ही नूरजहां है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। अगला प्रश्न है धर्मत का युद्ध। धर्मत के बारे में हम बताएंगे कि 1658 में शाही सेना और औरंगजेब तथा मुराद के संयुक्त सेना के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसे धर्मत युद्ध कहते हैं। इसमें औरंगजेब की विजय होती है। अब यहाँ पे फिर से वही बात कि हम क्या बताएंगे, कब हुआ, किसके मध्य हुआ, ये दो लाइनें आपको ध्यान रखनी है, कब हुआ, किसके मध्य हुआ। तो धर्मत युद्ध जो है तो 1658 में मुगल काल में हुआ उत्तराधिकार का युद्ध था। किसके मध्य हुआ? तो शाही सेना और औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। और परिणाम क्या रहा इसका? इसका जो परिणाम रहा, परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब इसमें जीत जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है महत्सिब। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 231 में। महत्सिब कौन था भाई? तो हम बताएंगे कि औरंगजेब द्वारा नियुक्त धार्मिक जो अधिकारी था उसे महत्सिब कहा गया। और इसका कार्य था कि प्रजा के चरित्र की निगरानी करना और मंदिरों को तोड़ना। ऐसा कहा गया कि औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को तोड़ने के लिए महत्सिब की नियुक्त की गई थी, महत्सिब या महत्सिब। अगला प्रश्न है मीर ए बर्र। मीर ए बर्र की बात करते हैं तो हम बताएंगे कि मुगल काल से संबंधित एक अधिकारी था मीर ए बर्र, और यह वन अधीक्षक होता था। मीर ए बर्र कौन होता था? मीर ए बर्र जो है वह मुगल कालीन वन अधीक्षक होता था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मुगल सेना में घुड़सवारों के प्रकार बताइए। तो मुगल सेना में घुड़सवारों के प्रकार दो प्रकार थे, एक तो बगरीर, माफ करिएगा बरगीर, और दूसरा सिलेदार। बरगीर और सिलेदार कौन थे? बरगीर और सिलेदार जो थे वह मुगल सेना के घुड़सवार थे। आपसे अलग से पूछ लिया जाए कभी टू मार्कर में, तो आपको ध्यान रखना है बरगीर और सिलेदार, ये दोनों जो प्रश्न अपने आप में स्वयं टू मार्कर है। तो बरगीर कौन थे? तो बरगीर जो थे ऐसे सैनिक होते थे, ऐसे घुड़सवार होते थे जिन्हें घोड़े, अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते थे, जबकि सिलेदार जो है तो उन्हें घोड़े और अस्त्र शस्त्र स्वयं लाने पड़ते थे। इन्हें घोड़े जो है तो वो स्वयं लाने पड़ते थे, उन्हें सिलेदार बोलते थे, सिलेदार मतलब स्वयं। अगला प्रश्न है संसप। संसप क्या था भाई? तो संसप जो है तो एक सिक्का था। तो क्या था संसप? सबसे पहले बता सकते हैं कि संसप जो है तो मुगल कालीन क्या था? मुगल कालीन सिक्का था। जारी किसने किया? तो जारी किया अकबर ने। धातु कौन सी थी? तो यह धातु थी कौन सी? स्वर्ण, स्वर्ण धातु थी। वजन कितना था? 100 तोला इसका वजन था, ठीक है। अकबर ने इसे जारी किया, सोने का था, सिक्का था, 100 तोले का था, ऐसे आप चार पॉइंट इसके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है पील खाना। पील खाना क्या था? तो हम बताएंगे कि अकबर के द्वारा स्थापित जो सेना प्रबंधन का विभाग था उसे
पील खाना कहा जाता था और मुख्य रूप से यह हस्ती यानी हाथी के सेना का प्रबंधन करता था। हाथी सेना जो थी या हस्ती सेना जो थी उसका प्रबंधन कौन करता था, तो पील खाना नामक एक विभाग करता था। अगला प्रश्न है जात व सवार। जात व सवार जो है तो अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली में शुरू की गई एक व्यवस्था थी। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली में शुरू की गई व्यवस्था थी जिसे जात और सवार कहते थे। जात जो है तो व्यक्तिगत पद तथा वेतन से संबंधित था, वहीं सवार उसके पास घुड़सवारों की संख्या संबंधित था। तो सवार क्या था, सवार ये था कि जात के पास कितने घुड़सवार हैं वह सवार होते थे, और जात कौन होता था, जात जो है व्यक्तिगत पद होता था और उससे संबंधित वेतन से संबंधित होता था, एक मनसबदारी प्रथा होती थी। अगला प्रश्न कह रहा है सयूरगल। सयूरगल की यदि हम बात करते हैं तो हम क्या बताएंगे, सयूरगल जो है वह मुगलकालीन भूमि का प्रकार है। सयूरगल मुगलकालीन भूमि का प्रकार है, यह धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। वह भूमि जो राजा द्वारा अनुदान में दी गई राजस्व मुक्त भूमि होती थी। तो सयूरगल जो थी वह मुख्य रूप से मुगलकालीन भूमि थी। यह भूमि राजा द्वारा अनुदान में दी जाती थी, कर मुक्त राजस्व मुक्त अनुदान होता था, और यह धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। और मदत इमास जो है इसका संबंध भी सयूरगल से है, क्योंकि मदत इमास जो है वह भी एक अनुदान भूमि ही होती थी। अगला प्रश्न है जहां आरा। जहां आरा के बारे में हम बताएंगे कि शाहजहां की जो बेटी है उसे जहां आरा कहते हैं। मतलब जहां आरा कौन थी, जहां आरा शाहजहां की बेटी थी और औरंगजेब की बहन थी, और उत्तराधिकार के युद्ध में यह दारा सिखों के समर्थन में थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, जैसे जो दल चालीसा था, दल चालीसा की जो स्थापना थी वह किसने की थी, वह इल्तुतमिश ने की थी, है ना, इल्तुतमिश ने की थी। और पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि एमबीटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो एमबीटी के द्वारा स्थापना नहीं की गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ये कमेंट किया गया था एक भाई के द्वारा, है ना, तो यहाँ पे उन भाई का विशेष धन्यवाद, नाम मैं मिस कर रहा हूँ। दल चालीसा की जो स्थापना है इल्तुतमिश ने की गई थी, इसे आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट करके ऐसे ही बताते रहेंगे कौन सी चीज़ें यहाँ पे गलत बताई गई हैं, हम उन्हें सुधार करके कमेंट कर दिया करेंगे। तो अगला प्रश्न है जहां आरा। जहां आरा के बारे में हमने क्या देखा कि यह शाहजहां की बेटी थी और औरंगजेब की बहन थी, और उत्तराधिकार के युद्ध में यह दारा सिकोह के समर्थन में थी। अगला प्रश्न है रॉक फिंच। रॉक फिंच के बारे में हम बताएंगे कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, रॉल्फ फिंच था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिंच था, और यह 1585 में अकबर के दरबार में आता है। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है तो 1674 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न हम आ चुके हैं 241 नंबर क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के बारे में बताएंगे कि अच्छा, सबसे पहली बात, पुरंदर की संधि दो हुई थी, पहली पुरंदर संधि और दूसरी पुरंदर संधि। एक संधि जो होती है वो होती है 1665 में और दूसरी होती है 1776 में। तो यदि आपसे पुरंदर की संधि पूछ ले तो आपको दोनों संधियां बतानी चाहिए मेरे हिसाब से, और पुरंदर की पहली संधि पूछे तो आपको 1665 में बताना है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य होती है। इसमें 23 किले जो थे वह शिवाजी ने मुगलों को सौंप दिए थे। और जो 1776 में पुरंदर की संधि होती है वह मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होती है। इसमें रघुनाथ राव को पेंशन देना शुरू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, मतलब रघुनाथ राव जो है तो कंपनी का पेंशनर बन जाता है। तो 1665 और 1776 दो आपको संधि याद रखने हैं। अगला प्रश्न है राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि बताएंगे कि 1805 ईस्वी में अंग्रेजों और यशवंतराव होलकर के मध्य द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान राजपुर घाट की संधि होती है। इसमें प्रावधान था कि होलकर जो थे उनको जो खोया हुआ राज्य था वह वापस दे दिया जाएगा। तो राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों और होलकर के मध्य हुई। कब हुई, 1805 में हुई। होलकरों की ओर से कौन था, तो होलकर की ओर से यशवंतराव होलकर थे। और कब हुई थी यह, तो यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1805 में हुई थी। अगला प्रश्न है फारूक सियार। फारूक सियार की बात करते हैं हम क्या बताएंगे, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट था, उत्तरवर्ती प्रमुख मुगल सम्राट था। उत्तरवर्ती हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो भी मुगल शासक हुए हैं उन्हें उत्तरवर्ती मुगल शासक कहा गया है। तो फारूक सियार जो था वह उत्तरवर्ती मुगल सम्राट था। इसे घृणित कायर भी कहा जाता था, फारूक सियार को घृणित कायर कहते थे। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है घृणित कायर, तो फारूक सियार जो था उसे घृणित कायर कहते थे। 1717 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट का फरमान इसने ही दिया था, और इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। तो फारूक सियार के द्वारा ही 1717 में व्यापारिक छूट का फरमान दिया गया था। अगला प्रश्न है तुर्रानी गुट। अच्छा, यहाँ पे फरमान की बात आई है तो आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं हम कि सुनहरा या गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान इसे आप टू मार्कर में लिखिएगा, और हो सके तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा।
फिर अगला प्रश्न है तुरानी ग्रुप। तुरानी ग्रुप की बात करें तो उत्तरवर्ती मुगल काल में सक्रिय प्रमुख गुट था तुरानी ग्रुप। इसके सदस्य के रूप में निजामुल मुल्क और जकारिया खान का नाम मिलता है। जकारिया खान और निजामुल मुल्क इसके गुट के मेंबर थे, जो कि उत्तरकालीन मुगलवर्ती काल में यह सक्रिय था। अगला प्रश्न है मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम की बात करें तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था मोहम्मद शाह प्रथम। यह मुअज्जम के नाम से जाना जाता था और इसकी मौत बंदा बहादुर से युद्ध के दौरान हो गई थी। बंदा बहादुर से युद्ध के दौरान मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, इसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता है और यह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है सर ए नौबत। सर ए नौबत की बात करते हैं तो शिवाजी के प्रमुख अष्टप्रधान जो होते थे, सेना का प्रमुख होता था, उसे सर ए नौबत कहा जाता था और इसका कार्य क्या होता था, यह सैनिकों की भर्ती, वेतन, जागीर का इंतजाम, ये सभी चीजें सर ए नौबत के द्वारा की जाती थी। तो सर ए नौबत जो है वह शिवाजी के अष्टप्रधान का प्रमुख था, मतलब सेना का प्रमुख था। अब यहाँ पे अष्टप्रधान आया ना, तो अष्टप्रधान क्या है, अष्टप्रधान भी आपका टू मार्कर हो जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना है। शिवाजी स्वयं में टू मार्कर है, ये भी आपको याद रखना है। ऊपर जैसे मुअज्जम है, ये टू मार्कर है। बंदा बहादुर टू मार्कर है। औरंगजेब टू मार्कर है। ऐसे सब टू मार्कर सामान्य टू मार्कर है जिन्हें आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी तो आप यहाँ पे बताएंगे कि सरदेशमुखी जो है वह मराठा साम्राज्य में प्रमुख देशमुख होने के कारण आय का 1/10 हिस्सा जो लिया जाता था राजस्व के रूप में, वह सरदेशमुखी कहलाता था। और यह मुख्य रूप से लोगों या उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लिया जाता था मराठा साम्राज्य में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पे जैसे आपसे मैं कह देता हूँ कि चौथ सरदेशमुखी था, चौथ भी आपको पता होना चाहिए टू मार्कर में, आपको यह ध्यान देना है चौथ क्या था, कितना हिस्सा लिया जाता था, है ना, क्यों लिया जाता था, ये आपको टू मार्कर में बताना है और संभव हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हुजूर दफ्तर क्या है। हुजूर दफ्तर की बात करते हैं तो हम बताएंगे यह पेशवाओं का सचिवालय था। पेशवाओं का जो सचिवालय था उसे हुजूर दफ्तर कहा जाता था। यह कहाँ था, तो यह पूना में था। इसका कार्य क्या होता था, यह सभी विभागों का निरीक्षण करता था और उनके मध्य समन्वय स्थापित करता था, हुजूर दफ्तर नामक विभाग। अगला प्रश्न है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस की बात करते हैं तो यह मराठा साम्राज्य में प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और मंत्री थे। क्या थे, कूटनीतिज्ञ और मंत्री थे। और इन्हें जो है तो मराठों का मैकियावेली कहा जाता था। ऐसा कहा गया कि जब तक नाना फडणवीस थे तब तक मराठा साम्राज्य एकजुट था और वह अपनी शक्ति को संगठित करके रख रहा था, लेकिन जब नाना फडणवीस की मृत्यु होती है तो मराठा साम्राज्य जो है वह विघटित हो जाता है। तो मराठों का मैकियावेली, ये भी यहाँ पे आपके लिए एक क्या है, यह टू मार्कर है। मराठों का मैकियावेली किसे कहते थे, तो नाना फडणवीस को कहते थे। अगला प्रश्न है खुसरो शाह। खुसरो शाह के बारे में बताएंगे, यह खिलजी वंश का सुल्तान था खुसरो शाह और इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा था। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा था, तो उसका नाम था खुसरो शाह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अब हम आ चुके प्रश्न संख्या 251 में, कुछ ही प्रश्न और शेष बचे हैं, 10 प्रश्न समथिंग बचे हैं। तो दीपालपुर के बारे में बताएंगे कि सल्तनत काल में मंगोल आक्रमणों से बचने हेतु यहाँ पर दुर्ग का निर्माण किया गया था। और कहाँ है दीपालपुर, दीपालपुर पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न कह रहा दाग व हुलिया या चेहरा प्रथा, दाग या हुलिया प्रथा या दाग व चेहरा प्रथा जो थी इसके बारे में बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया सैन्य सुधार था यह। दाग और हुलिया प्रथा किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। किस लिए, तो सैन्य सुधार के लिए। दाग क्या था, जिसमें घोड़ों की पहचान है तो एक चिन्ह दिया जाता था, और हुलिया जो था वह सैनिकों के ब्यौरे के लिए जाता था। दाग क्यों देते थे घोड़ों को, क्योंकि घोड़े को बदला ना जा सके, मजबूत घोड़े को कमजोर घोड़े से बदला ना जा सके। और हुलिया जो है उसमें सैनिकों का ब्यौरा दिया जाता था। तो दाग और हुलिया प्रथा आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है तुमैन। तुमैन क्या था भाई, तो बताएंगे अशोक नगर में स्थित शिलालेख स्थल है। अशोक नगर मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अशोक नगर जिला है, वहां पर स्थित एक शिलालेख स्थल है और इसका संबंध कुमार गुप्त प्रथम से बताया जाता है, जिसमें इनको शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इन्हें या क्यों कहें कि राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। अगला प्रश्न है खिजराबाद। खिजराबाद की बात करते हैं तो हम बताएंगे चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम जो है वह खिजराबाद है। अलाउद्दीन खिलजी ने जीत के बाद 1303 में यह नाम रखा था। तो खिजराबाद जो है, तो चित्तौड़गढ़ जो वर्तमान का राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला है उसका नाम क्या था, खिजराबाद था, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया था, लेकिन वर्तमान में चित्तौड़गढ़ नाम ही प्रचलन में है। अगला प्रश्न है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र के बारे में बताएंगे कि होयसल राजवंश की जो राजधानी थी वह कौन सी थी, तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान अवस्थिति कहाँ है, तो हलेबिड, हलेबिड मतलब कर्नाटक में इसकी वर्तमान अवस्थिति, ये आपको ध्यान रखना है द्वार समुद्र की। तो यहाँ पे होयसल राजवंश जो है ये आपके लिए एक टू मार्कर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है गुलरुखी। गुलरुखी क्या है, तो जब भी आप सल्तनत काल पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि सिकंदर लोधी का जो उपनाम था वह गुलरुखी था और इसी नाम से वह कविताएं लिखता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आगरा की स्थापना किसने की थी। तो आगरा की स्थापना की हम बात करते हैं, तो आगरा की स्थापना किसने की थी,
सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। अकबर आपको नहीं बताना है, आपको सिकंदर लोदी याद रखना है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि अलाउद्दीन एक प्रशासकीय प्रयोगकर्ता था, उसने नवीन विचारों को जन्म दिया और नवीन भूमि पर उन्हें रोपा, यह कथन किसका है? तो कथन कारण वाले क्वेश्चन मेंस में आने शुरू हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो कथन था यह कथन KS लाल सिंह का था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने जो हमारी यूनिट नंबर 1 थी उसके पूरे 2 मार्कर जो भी इम्पॉर्टेंट थे, जो अलग से थे, जो सामान्यतः नहीं मिलते हैं, वो हमने किए हैं। बाकी बहुत छोटे छोटे 2 मार्कर की बात करें तो वो तो 1000, 2000, 3000 हो सकते हैं, उसे मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सामान्य से जो प्रश्न है वो तो आपसे बन ही जाने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा ट्रेंड रहता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपसे आपने कभी सुने नहीं है, उनके बारे में कुछ लिख नहीं सकते। तो मेरा प्रयास रहा है कि पहली यूनिट से लगभग 258 क्वेश्चन हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो NHICS MPPSC के नाम से, वहाँ पे भी डेली 1-2 मार्कर आपको दिया जाता है, 1-2 मार्कर उसका मॉडल आंसर दिया जाता है, जिससे आपके पेपर में मदद मिल सकती है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पे भी 2 मार्कर दिया जाता है। और आप हमें समर्थित करिए, आप हमारा समर्थन करिए, इस तरह वीडियो को देखते रहिए, समर्थन देते रहिए। और अब हमें ज़रूरत है आपके एक प्यारे से कमेंट की, और आप कमेंट का मतलब है फीडबैक, आपको वीडियो कैसा लगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे लगे और क्या करना चाहिए हमें। तो जिस तरीके से हमारा यूनिट 1 का 2 मार्कर समाप्त हुआ है, ऐसे हम यूनिट नंबर 2 के 2 मार्कर शुरू करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित होने वाले हैं। तो यदि आपका समर्थन अच्छा रहता है तो ये श्रृंखला हम अपने अंतिम पेपर तक, हिंदी के पेपर तक लेके चलेंगे। वहाँ पे जितने 2 मार्कर हैं, 4th पेपर, 3rd पेपर, 2nd पेपर, सभी पेपरों के 2 मार्कर को हम यहाँ पे लाएंगे। बस आवश्यकता है तो आपके समर्थन की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने ऐसे मित्र जिनका 2 मार्कर थोड़ा वीक है उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे ही नए वीडियो लाने के लिए। चलिए, अच्छा है आपने इस वीडियो को अंतिम तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।